तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सौभिक जी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना एक नया बैच स्टार्ट हुई है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सेल वीवी एक्सेल एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, राइट सर? ओके तो मैं जानता हूँ सौभिक जी आपको पहले से एक्सेल आता है, पहले से आपको एक्सेल आता है मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी सिलेबस फॉलो करूंगा और आपको हर एक चीज बेसिक एडवांस सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस बात को जानता हूं कि एक्सेल का यूज क्या है, राइट? एक्सेल का यूज क्या है? अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे ने आपसे पूछा कि भाई एक्सेल सीखने के बाद हम करेंगे क्या, तो उसको सटीक जवाब होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कुछ रिसर्च किए हुए हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। आज 20 साल 25 साल पहले पीछे आते हैं तो उस समय क्या था, हर कंपनी में रजिस्टर यूज होता था, बही खाता। तो उसी वही खाता को डिजिटल कर दिया है। ओके। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है डेटा स्टोरेज। एक्सेल में हम डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन एक्सेल में डेटाबेस क्यों? क्योंकि एक्सेल डेटाबेस के काफी सारे रूल्स और काफी सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। एग्जांपल, इसकी साइज लिमिट है। हालांकि ऐसे 10 लाख बोला गया है, लेकिन दो माने कि एक डेढ़ से 2 लाख डालने के बाद एक्सेल थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, हैंग होने लगता है, काफी स्लो परफॉर्मेंस देता है। दूसरा, इसकी डेटा सिक्योरिटी नहीं है। डेटा ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने पे करप्ट होने के चांसेस होते हैं फाइल का। आपने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड भूल जाए तो पासवर्ड रिकवर नहीं होगा। पासवर्ड लगाया भी है तो आसानी से इसको कोई तोड़ सकता है, इसकी फाइल को डिलीट कर सकता है, राइट? तो इसको हम डेटाबेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब डेटा स्टोरेज है और डेटाबेस नहीं बना सकते तो फिर कहाँ यूज करेंगे इसको? तो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है मिसलेनियस डेटा। अब मान लीजिए आप अकाउंटेंट है, टैली पे का टैली बीजी और फिगो वगैरह पे आप काम करते हैं, फिर भी आप एक्सेल पे डेटा स्टोर करते हैं। कौन सी डेटा? मिसलेनियस, जैसे कि पेटी कैश। आप 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, अब इसका लेजर तो नहीं क्रिएट करेंगे टैली में? नहीं, लेकिन एक ऑफिस की खर्चे का 10-20 हजार का खर्चा होता है मंथली, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना, क्या सर? छोटे मोटे yes, होती है yes, तो 10-20 हजार की होती है, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। तो उसकी जो yes, है हम रखते कहाँ है? एक्सेल के अंदर। दूसरा, एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज, जैसे हम जैसे छोटे लोग हैं जिनके पास 10-20 हजार का ही डेटा हो पाता है, और बड़े बड़े डेटाबेस जैसे सैप, फिको, ऐसे जो डेटाबेस हैं एसक्यूएल, ओरेकल, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो है अपना पूरा का पूरा रिकॉर्ड अब यहाँ दो सवाल सुनने के बाद आपको ये ध्यान में आएगा कि सर तो फिर बड़ी कंपनी में एक्सेल काम क्या होगा? बड़ी कंपनी में हम एनालिटिक डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आप पूरी साल की मंथली रिपोर्ट तैयार करें, ओके, साल की मंथली रिपोर्ट का, तो
पूरे साल का मंथली डेटा स्टोर करने के लिए आपको बोला गया है, मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। तो आप पहले अपने जो सॉफ्टवेयर है, जो डेटाबेसेस हैं, वहां से पूरे के पूरे साल का डेटा, सेल्स डेटा डाउनलोड तो करेंगे, और जाहिर सी बात है डाउनलोड करके हम एक्सेल पे रखेंगे। क्या हाँ सर, अब कोई डैशबोर्ड बनेगी तो उसका बैकएंड में डेटा होगा ना। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, डैशबोर्ड एनालिटिक्स रिपोर्ट्स बनाई है, एनालाइज किया है। अब ये रिपोर्ट्स है, डायनेमिक डैशबोर्ड है, तो इसका डेटा यहाँ रखा हुआ है ना, क्या तभी रिपोर्ट हाँ तैयार हुआ है। मैं हाँ यहाँ से सर, जून के जगह पर अगर जुलाई सेलेक्ट करूँ तो पूरा रिकॉर्ड जुलाई के अकॉर्डिंग हो गया। क्यों, कैसे हुआ? हाँ क्योंकि ये इससे लिंक है। तो हम डेटा स्टोर करते हैं लेकिन मिसलेनियस एसएमई एंड एनालिटिक्स डेटा। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए मेरे हिसाब से एक्सेल के से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ऐसे इसलिए क्योंकि ऑरिकल में चले जाइए, पावर बीआई में चले जाइए, टैबलू में चले जाइए, जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें चले जाइए, उसमें कैलकुलेशन फील्ड टू फील्ड होती है। क्या होती है? फील्ड टू फील्ड होती है, लेकिन सेल टू सेल नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक है कि क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, क्वार्टर वन में 54 हुआ है, क्वार्टर टू में 60 हुआ है, हाउ इज द ग्रोथ, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। तो फॉर्मूला में दोबारा बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको अप्लाई कर सकते हैं। 17% मैं आपने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें अपने मैथमेटिकल रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हाँ। इसका इसका जो आपने कैलकुलेट किया 17%, तो उसका क्या है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड ओल्डेस्ट, ये है ना। हाँ। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को आप यहाँ सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और यहाँ हम सर ओल्डेस्ट होगा सर, H4 से डिवाइड होगा, I4 से नहीं। सॉरी हाँ, गलती था, ठीक है, 17%। तो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर में आप जो है कई तरह की कैलकुलेशन, जैसे कि आप सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरीथिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए बहुत फ्रीडम, राइट। कैलकुलेशन के बाद आता है डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन। डेटा एनालिसिस में जैसे कि मान लीजिए कि किसी डेटा से आपको क्विकली एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि पिछले साल का हमारा इंसेंटिव एवरेज इंसेंटिव रेटियो क्या था। फटाफट पिछले साल का सेल का डेटा लोगे, पीपर टेबल लगाओगे और मुश्किल से 2 से 3 मिनट या हाईएस्ट 5 मिनट में आप इसकी इसको निकाल सकते। डेटा एनालिसिस होता क्या है, पहली चीज को जान। डेटा एनालिसिस सिंपल सी बात समझिए कि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, एक डिसीजन लेने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मैं इस साल 5% का इंसेंटिव देने वाला हूँ, राइट, अपने सेल्स वर्कर्स को। तो ऐसे ही 5% थोड़े लूंगा कि मैंने ऐसे ही अक्टूबर बक्टर बम्बे बुक किया और 5% डिसाइड कर दिया। हम इसको पहले हम एनालिसिस करेंगे कि भाई जो हमारा मौजूदा सेल है, ठीक है ना, और जो 5% इंसेंटिव देने हम दे रहे हैं
उससे हमारा कितना परसेंट सेल बढ़ना चाहिए ताकि 5% का इंसेंटिव कवर हो जाए। बात समझ गए ना? मार्केट ग्रोथ क्या है, हमारी ग्रोथ क्या है, नॉर्मल सेल कितनी होती है, ये सब देखना पड़ता है। देखने के बाद फिर हम देखते हैं कि हाँ 5% इंसेंटिव देने से हमको बेनिफिट हो रहा है, तो हम प्लान करते हैं कि चलो 5% सैलरी हम इंसेंटिव देंगे। और हम अनाउंस करते हैं सेल्स टीम को एक टारगेट देते हैं कि भाई इस टारगेट के बाद अगर आप 5% का सेल करते हैं तो 5% दिया जाएगा। अब टारगेट भी सेट करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। अब पता चला कि मैं बोल दिया भाई 1000 सेल करोगे तो मैं 5% इंसेंटिव दूंगा। पता चला कि हमारे टीम का आज तक हाईएस्ट 150 से ऊपर कोई पहुंचा ही नहीं। ये तो हमारी ये हो गई ना सर कि भाई महंगाई भत्ता मिल रहा है 5 रुपए प्लेट, क्योंकि 5 रुपए में पेट भर खाना खाया जा सकता है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट करती है। सेम थिंग हो गया कि 1000 सेल करोगे तो 5% इंसेंटिव मिलेगा। 1000 पॉसिबल ही नहीं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट का इतना डिमांड ही नहीं है। तो अगर 150 हाईएस्ट सेल है तो हमें वहां यहाँ पे 200 या 250 का टारगेट दे सकता हूँ, ताकि बंदे जो जनरली 80% सेल करते हैं वो 100-150 के बीच में आ जाएंगे इंसेंटिव की लालच में। जो 150 से 200 करते हैं वो 250-300 जा सकते हैं ताकि उनको इंसेंटिव मिले और हमारा बेनिफिट भी हो। ये सर एनालिसिस होता है ना सर, तो यही सर डेटा एनालिसिस में आता है। और ये हम नहीं, मतलब कि जो डिसीजन लेता है वो नहीं करता, डिसीजन मेकर को हम एक सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक MIS का बंदा का काम यही होता है कि जो डिसीजन मेकर है उसको सपोर्टिंग एनालिसिस प्रोवाइड करें। जैसे ये रिपोर्ट पहले मैंने दिखाया था, इसी की बात करते हैं, ठीक है ना? इसने देखा कि जून के कस्टमर की सेल देखा, ठीक है। अब उसको तुरंत ध्यान में कि मैं जुलाई देखना चाहता हूँ, तो खटाक से यहाँ जुलाई सेलेक्ट करेगा और यहाँ देखेगा कि हाँ जुलाई में ठीक है क्या। अब यहाँ पे दूसरा आता है रिप्रेजेंटेशन, रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम जो है इसका पावर पॉइंट यूज करते हैं ना सर, बट डायनेमिक रिपोर्ट के लिए पावर पॉइंट परफेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपने एक एक स्लाइड बनाया जून के सेल्स के लिए, राइट? ये सारा स्लाइड पे बनाया आपने। अब बॉस बोला कि ठीक है मुझे जुलाई का भी दिखाओ, तो अगर आपको फिर से दोबारा फाइल बनाना पड़ेगा। सो आपने बना रखा है तो बॉस को 2 मंथ के देखने के लिए 2 फाइलें ओपन करनी पड़ेगी क्या? यस सर, 2 फाइलें ओपन करनी पड़ेगी ना? यस सर, यस सर। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप टीम लीडर हैं और अपने टीम के साथ मीटिंग ले रहे हैं, तो फाइल ओपन क्लोज करने में ध्यान भटकता है ना लोगों का। लेकिन यहाँ एक्सेल में आपको जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन को चेक करना, सिलेक्ट करना, एवरी मंथ का रिपोर्ट यहाँ ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है? यहाँ देख रहे हैं ये फॉर्मूले लगा रखे हैं। यस सर। और चौथा जो है सबसे अच्छा यूज है शेयरिंग। अगर ये ना हो तो हमें लगता है एक्सेल ज्यादा यूज हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना रिपोर्ट पावर BI में बनाया और आपको शेयर कर दिया। अब आपको हमने जो भेजा तो आपके पास पावर BI होगा तभी रिपोर्ट देख पाएंगे ना। हाँ सर। अगर आपके पास पावर BI का सॉफ्टवेयर नहीं है तो रिपोर्ट तो नहीं देख पाएंगे, आपको पावर BI डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी अननोन पर्सन को या नॉन पर्सन को अगर आपको एक डेटा या एक रिपोर्ट भेजनी है तो हम प्रेफर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऐसा इसलिए हमें पता है कि उसके बाद एक्सेल होगा, ठीक है? अगर एक्सेल नहीं होगा तो इसका सब्स्टिट्यूट OpenRG, Symfony, ऐसे एक्सेल व्यूअर ऐसे सॉफ्टवेयर तो होगा ही होगा।
एटलीस्ट वो भी नहीं हुआ तो डायरेक्ट जीमेल से ही देख सकता है, डायरेक्ट जीमेल पे रिपोर्ट को सीधे देख सकता है, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं, चाहे वो सेलफोन हो या सिस्टम हो, राइट। तो अगर ये शेयरिंग वाला पार्ट नहीं होता तो इन सबों का मतलब नहीं था, समझ गए। सो शेयरिंग है तो हम कह सकते हैं, आपसे कोई नॉन टेक्निकल बंदा पूछता है कि भाई एक्सेल से करेंगे क्या, आप कह सकते हैं कि वी कैन यूज द एक्सेल फॉर डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, डेटा एनालिटिक्स, रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन एंड शेयरिंग ऑफ द डेटा एंड रिपोर्ट्स, सिंपल। अब बोलेंगे सर ये सब आपने मुझे क्यों बताया, तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हर एंगल से डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो एक्सेल को भी डिटेल में पढ़ाना जरूरी था, बताना जरूरी था ये चीज आपको। इसमें से कुछ चीजें पता था लेकिन एक फ्लो में आपने जाना और आपको आइडिया लग गया कि आफ्टर दिस लर्निंग द एक्सेल हम ऑफिस में क्या करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक्सेल का आर्किटेक्चर, अब एक्सेल आर्किटेक्चर को समझिए कि एक वर्कबुक फाइल होता है जिसको एक्सेल में वर्कबुक कहा जाता है और शीट को वर्कशीट कहा जाता है। हर शीट में आपका कॉलम एंड रो होते हैं, जहां रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं उसको सेल कहते हैं, और कोई भी डेटा सेल के अंदर ही स्टोर होती है, डेटा ग्राफिक्स नहीं। अगर कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं जैसे पिक्चर हो गया, सैप्स हो गया, वो ओवर द सेल होता है, इसीलिए हम ग्राफिक्स को लिंक नहीं कर सकते, किसी पिक्चर्स या किसी सैप्स को लिंक नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी लोकेशन नहीं होती, क्योंकि हर एक सेल का एड्रेस होता है, जैसे A1 ए नंबर कॉलन वन नंबर रो, जैसे यहां पे आपने कर्सर रखा तो सी ई कॉलन एंड सेवन नंबर रो, तो हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। अब यहां पे क्वेश्चन यहां पे आता है, कैलकुलेशन की बात हम कर रहे थे, एड्रेस में भी जरूरी है, तो जैसे मुझे हर नंबर पे 20 ऐड करना है, तो आपने इक्वल ब्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और 20 एंटर मार दिया। अब मुझे नीचे हर एक सेल में करने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर करके नीचे जस्ट ड्रैग कर देंगे, बाकी सब में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब भी आप ड्रैग करते हैं तो आपका जो रेफरेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। डिक्रीज कब होता है, जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे अंदर डिक्रीज होगा, ए इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा इधर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक अच्छा फीचर है, नहीं तो मान लीजिए कि 10 लाख डेटा में अगर आपको एक एक करके लगाना पड़ेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि D1 है। अब यहाँ पे हमने 50 ऐड कर दिया, मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर है वहाँ पे D50 को ऐड करें, तो इक्वल हम इसको जाते हैं प्लस 50 आ गया रिजल्ट में देखिए, लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो चेंज हो जाएगा। हाँ देखिए A1 जो है A2 हो गया, होना था चाहिए, इस पर D1 D2 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, मैं चाहता हूँ D1 फिक्स रहे, D2 D3 D4 ना हो, तो उस केस में इसको हम अब्सोल्यूट करते हैं, अब्सोल्यूट कॉन्सेंस या फ्रीज, कई सारी चीजें बोली जाती है इसमें, तो इसको मैंने फ्रीज कर दिया। फ्रीज कैसे किया, हमने डॉलर का साइन उसके आगे लगा दिया, फिर नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारा D1 फिक्स रहे, क्योंकि हर एड्रेस का दो पार्ट होता है, एक रो एंड कॉलम। तो जो आपका जो करेक्टर होता है उसको रो, उसको कॉलम मानिए, जो नंबर होता है उसको रो मानिए, तो जिसको फ्रीज करना है उसको आगे डॉलर लगा दे। तो अभी जो मैंने रो के नंबर के आगे वन के आगे रो के आगे डॉलर लगाया है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, टॉप टू बॉटम हमने ड्रैग किया तो ठीक था, लेकिन जैसे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो देखेंगे कि आपका डी जो है ई बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने आगे डी के आगे डॉलर नहीं लगाया था। तो आप अपने रिक्वायरमेंट से इस पर डॉलर साइन लगा सकते हैं, ओके, विदाउट सर। यस सर।
नहीं सर, अभी तो ठीक है सर, अब क्लियर है। डॉलर साइन वो F4 से भी लग जाता है ना सर? हाँ F4 से लगाते हो तो शॉर्टकट होता है, लेकिन दोनों में लगता है ना फिर, वो मतलब दोनों में लगेगा तो मतलब सर, रो एंड कॉलम दोनों में लगेगा। एक बार करके बताएंगे सर? देखिए F4 किया, लगा। अब मुझे मान लीजिए वन के डी के आगे नहीं चाहिए तो मैं एक बार और F4 करूंगा, मुझे वन के आगे नहीं चाहिए तो यहाँ पे, डी के आगे चाहिए तो यहाँ पे F4 लगेगा। अच्छा मैं समझ गया ना, आप बोल रहे हैं कि F4 है तो रो एंड कॉलम दोनों के आगे डॉलर साइन लगाता है। देखिए हर सिचुएशन में हमें दोनों के आगे डॉलर नहीं चाहिए होता है। नहीं, फर्क क्या है सर, एक के आगे डॉलर और दो के आगे डॉलर का क्या फर्क है? मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। चलिए डेटा है आपका, ये दिख रहा है प्राइजेज है और एक क्वांटिटी है, ठीक है, कि 85 जो है 100 रुपीज के हिसाब से बेचा गया है, 250 हिसाब से बेचा गया है, और यहाँ पे मुझे चाहिए अमाउंट। क्या चाहिए? अमाउंट। अब मान लीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई किया इससे 100 से, कर दिया सर, 85 सौ आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को आगे पीछे सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो क्या होगा, जो हमारा प्राइस 100 था अब वो 8500 आ गया, समझे? मुझे क्या कर, यहाँ पे मुझे रो के आगे कॉलम डॉलर लगाना होगा, 4 के आगे। हाँ मैं समझ गया, समझ गए। अब इसको मैं नीचे ड्रैग करेंगे तो अब सही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर ड्रैग करूंगा ए जो है हमारा बी बन गया, मतलब वो 4 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ तो अब यहां पे मुझे जो ए को फ्रीज करना है, बट मैं 5 को नहीं फ्रीज कर सकता, क्योंकि 5 को फ्रीज करूंगा तो सब 85 से कैलकुलेट हो जाएगा ना। अब मैं इसको आगे नीचे ड्रैग कर दिया तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट है, यहाँ देखिए ये दोनों है। एक बार सर, एक बार किसी एक सेल पे जाके छोड़ दीजिए एक बार। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए हमने क्या किया, 85 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, माने 85 मल्टीप्लाई बाय B4, राइट। अब मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो यहाँ पे हमारा ये जो B4 जो है वो हमारा 4-5 हो, B5 तो यहाँ हम 4 के आगे डॉलर लगा देंगे। बी के आगे डॉलर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ भी ड्रैग करना है, इधर भी करना है, तो अगर बी के लगा देंगे तो फिर वो सी नहीं ले पाएगा, डी नहीं ले पाएगा, ई नहीं ले पाएगा, एफ नहीं ले पाएगा। समझ गया सर, इसलिए हमने सिर्फ 4 के आगे डॉलर लगाया। अब यहाँ पे हमारे ए के आगे डॉलर लगाना हो, क्योंकि जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो बी जब सी होगा तो ए भी तो बी हो जाएगा, हमारी क्वांटिटी तो फिक्स लाइन में है, इसलिए हम सिर्फ ए के आगे डॉलर लगाएंगे। अब क्या होगा कि जब मैं आगे ड्रैग, यहां ड्रैग किया तो देखिए फिक्स है, ठीक है, और नीचे भी ठीक है। अब इसमें हमने सिर्फ ए को, ए वन को फ्रीज किया हुआ, A5 को फ्रीज किया, 5 को नहीं, क्योंकि मैं नीचे ड्रैग करूं तो 5, 6, 7, 8, 9 बने, इसलिए पता चला डॉलर का क्या यूज होता है। समझ गया सर, आपको बेसिकली यहां पर कॉलम फिक्स चाहिए और वहां पर रो फिक्स चाहिए। जी हाँ, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप जहां रो फिक्स चाहिए, कॉलम फिक्स चाहिए, वैसे फिक्स कर देंगे। यहां पे क्या है, यहां पे 10% का कमीशन है,
अब मुझे इसमें सबको 10% से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में रख के, ठीक है, 10% से। अब 10% हमारा फिक्स है रो के भी और कॉलम पे ही, ना बी टू को ना हमें बी सी करना है ना बी डी करना है, समझ गए। तो इसको हम दोनों तरफ डॉलर लगा देंगे, F4 से मैंने लगा दिया दोनों तरफ डॉलर। मैं इसको नीचे आगे पीछे ड्रैग, वो भी कर सकते हैं ना, आपने स्टार्टिंग के क्लास में बताया था इनटू 10% इनटू करके मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करके, और ये पेस्ट स्पेशल में ना, हाँ पेस्ट स्पेशल, प्रॉब्लम है कि लिंक नहीं हो पाएगा ना यहाँ से, अब यहाँ 15% करूँगा तो 15% ही मिल जाएगा ना। अच्छा वो 10% पे लिंक क्यों नहीं हो पाएगा सर? So, उसके अंदर डाल जाके जाके डाल देगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो ऊपर वैल्यूज लिंक नहीं होगा। नहीं एक बार करके बताइए ना वो मल्टीप्लाई वाला। टेन परसेंट मैंने यहाँ लिखा, इसको कॉपी किया, सेलेक्ट किया, क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने कर दिया मल्टीप्लाई। पहले आपने इसको कंट्रोल सी किया ना सर 10% को? हाँ 10% को कंट्रोल सी किया, फिर चिंता मत कीजिए इसको पढ़ाऊंगा, ये पेस्ट स्पेशल का पार्ट है, इसको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं मैं बस समझ रहा था, डिफरेंस समझ रहा था। तो इसमें कैसा है कि, अच्छा मैं समझ गया, तो ऊपर अगर 10% वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ यहाँ वैल्यू चेंज, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर, समझ गया मैं, थैंक यू सर। बने, हाँ जी सर। अब बात आती है हमारी हेल्प एंड सपोर्ट की। पहली क्लास में चीज बता रहा हूं, जैसे किसी फीचर्स के बारे में आपको जानना है, आप उस पे कर्सर रखेंगे तो उसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, और उसी में जो टेल मी मोर दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका ऑप्शन आ, यहां पे उसकी हेल्प सपोर्ट में पूरी डिटेल आ जाएगी। क्या है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि गूगल पे जाके सर्च करते, बट गूगल दी गई हर एक इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल एंड इसमें वेबसाइट में डालते हैं, बट यहाँ 100% प्रूफ रीड है। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ भी ढूंढना हो तो पहले आप एक्सेल हेल्प पे ढूंढें। थोड़ा नीचे आएंगे सर, एवरीथिंग हेल्प वाले में पूरा है सर, एक बार ऊपर जाइए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इसको इसमें शॉर्टकट चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट चाहिए एक्सेल में, शॉर्टकट क्या क्या है, कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल हो गया, ये देखिए सारे शॉर्टकट्स आ गए। अब इसमें एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ठीक है। फिर आता है लिमिट्स, एक्सेल में एक्सेल के किस फीचर की क्या लिमिटेशन है, आप सर्च कीजिए यहां दिख जाएगा एक्सेल फिगेशन एंड लिमिट। देखिए पूरी लिमिट्स है, फीचर्स एंड लिमिट्स, ठीक है। तो आप जो है इसको सर्च करने के लिए F1 भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे F1 प्रेस करेंगे ना आपका एक्सेल हेल्पफुल क्या आ जाएगा, अब जो सर्च करना है सर्च कीजिए, राइट। बट इसलिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 2007 के बाद जितने भी अवर्जन्स आए हैं सबका जो एक्सेल हेल्प है वो इंटरनेट पे चलता है, ऑनलाइन है, कोई बात नहीं। अब अगला जो आपको काम करना, दो चीज तो आपको पढ़ना है, तीसरा है आपको जब फाइल में न्यू पे क्लिक करते हैं ना तो बहुत सारे टैम्पलेट्स आते हैं, तो इससे 10-20 टैम्पलेट्स को रिव्यू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि हम किस किस तरह की रिपोर्ट्स एंड फॉर्मेट्स बना सकते हैं एक्सेल में। जैसे आप ओवन खरीदने जाते हैं या फिर आप माइक्रोवेव खरीदने जाते हैं तो उसके साथ आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, होती है जिसमें बहुत सारे रेसिपीज की लिस्ट होता है कि कौन सा डिश को क्या क्या रेसिपी है कैसे बनाया जाए, पता चलता है कि सारे रेसिपीज इस ओवन में बनाए जा सकते हैं।
या माइक्रोवेव में बनाया जा सकता है। सेम उसी तरह से यहां भी है, ठीक है। ये सारे जो है इसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, राइट सर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फाइल मेनू बार को कवर करेंगे।